सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले नेटवर्किंग के चार क्लासेज आ चुके हैं, चार पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें मैंने नेटवर्किंग के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताया। आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ OSI मॉडल के बारे में। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है OSI मॉडल, और लगभग आप कहीं पर भी चले जाइए, हर बार जहाँ पर नेटवर्किंग चल रही है वहाँ पर आपको OSI मॉडल के बारे में जरूर पूछेंगे। तो देखिए OSI मॉडल क्या होता है, गौर से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स OSI मॉडल को याद तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर उसका काम नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में ये क्यों यूज होता है। तो मैं आपको जितना हो सकता है उतना आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखो दोस्तों एक्चुअल में क्या है, जब पहले नेटवर्क बना था तो आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल IBM कंपनी अलग थी, इसके अलावा जो भी अदर कंपनीज थी उन सबके क्या है, कंप्यूटर्स अलग अलग थे। अब अगर इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते थे तो दोस्तों देखो सबका स्ट्रक्चर अलग से अंदर एकदम डिफरेंट था, सबके रूल्स अलग अलग थे। ऐसी कंडीशन में इन सब का आपस में कनेक्शन करना और डेटा एक्सचेंज करना थोड़ा टिपिकल हो गया था। उस कंडीशन को दूर करने के लिए फिर आपने ISO, जो कि इसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस फर्म ने, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना दोस्तों ISO, इस फर्म ने क्या किया था कि एक नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल्स का लेयर बनाया जिसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है, मैं आपको पहले स्टैक बताया था, क्योंकि क्वेश्चन कई बार स्टैक से बारे में पूछा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक है, ये इसके ऊपर दूसरा है, ये इसके ऊपर तीसरा है, ये क्या है चौथा है, इसको बोलते हैं स्टैक। तो इस प्रकार से इस प्रोटोकॉल्स का एक स्टैक है, जो लेयर्स प्रोटोकॉल्स हैं उनके एक ऐसी सात लेयर का डिज़ाइन बनाया कि कोई भी नेटवर्क हो चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, वो इस प्रकार से अगर अपना OSI लेयर जिसमें सात लेयर्स को यूज करेगा तो उनके बीच में डेटा आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा और सबको इसी को यूज करना है। ऐसा स्टैंडर्ड बनाने के बाद ही OSI लेयर का जो OSI मॉडल है वो तैयार हो पाया था। तो दोस्तों बनाया किसने था, क्वेश्चन बनता है, वो बनाया था ISO ने, जिसका कितनी लेयर का है, 7 लेयर रेफरेंस मॉडल। अब रेफरेंस मॉडल क्या होता है, रेफरेंस का मतलब आप उसका यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों आज जो भी नेटवर्किंग आप देख रहे हैं बेसिकली उसमें ये OSI मॉडल का यूज ही होता है। तो OSI मॉडल के बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़नी है आप यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ क्योंकि देखो ज़्यादा समय मैं आपको समझाने में लूँगा, आप थ्योरी तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, सारी थ्योरी में इसमें दे रखी है। सिंपल सा फंडा पहले कि जो इसकी सात लेयर्स होती है, वो सात लेयर्स को पहले याद करने का तरीका, सबसे पहले फिजिकल प्लीज, डेटा लिंक लेयर को डू, नेटवर्क लेयर को नॉट, ट्रांसपोर्ट लेयर को थ्रो, सेशन को सोर्स, प्रेजेंटेशन को पिज्जा, एप्लीकेशन को अवे। फुल फॉर्म क्या होगी, प्लीज डू नॉट थ्रो सोर्स पिज्जा अवे। इस प्रकार से आप याद कर लोगे तो आपको सातों आपको याद हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रकार से ही याद करें, मुझे मेरे गुरुजी ने, टीचर्स ने मुझे इस प्रकार से याद करवाया था तो मुझे इस प्रकार से याद है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी आप शॉर्टकट बना के आप इसको याद कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट नाम याद भी हो रहे हैं तो इन शॉर्टकट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो है कि आप कम समय में याद करना चाहते हो तो इन शॉर्टकट्स का यूज करो। तो प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा अवे, ये बेसिकली सात लेयर्स को याद करने का तरीका है। अब ये बात करते हैं इसमें कि ये लेयर होती कैसे है। दोस्तों जैसी लेयर्स आपको दिख रही है ऐसी लेयर्स एक्चुअल में नेटवर्क के अंदर होती नहीं है, ये क्या है, एक लॉजिकल है। लॉजिक क्या होता है, लॉजिकल दिखाई देता है, लॉजिक कभी दिखाई नहीं देता, फिजिकल होता है वो दिखाई देता है। अगर आप नेटवर्क के अंदर तार लगे हुए हैं अलग अलग, वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन तारों के अंदर डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो आपको दिखाई थोड़ी देगा, वो लॉजिकल डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो लॉजिक क्या है, वो प्रकार से मतलब किस प्रकार से वो नेटवर्क पूरा काम करता है वो बताता है OSI लेयर का ये डायग्राम। दो डायग्राम है, एक ये और एक ये। मैं पहले बताता हूँ कि इसमें क्या है, हाईएस्ट लेवल और ये लोवेस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल मतलब अगर आपको पूछे कि पहली लेयर कौन सी है, तो पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर, ऊपर से पहली कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर। फिर पूछे अगर कि आपके नीचे से तीसरी लेयर कौन सी है, तो कौन सी होगी, 1, 2, 3 नेटवर्क लेयर। इस प्रकार से ऊपर जब लेस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल लेयर, और नीचे वाली को बोलते हैं लोवेस्ट लेवल लेयर। अब इसको देखो इस प्रकार से समझते हैं, क्योंकि देखो आगे मैंने उसको सब बता रखा है कि फिजिकल लेयर वगैरह क्या काम कर रहे हैं, डिटेल में बता रखा है आपको, ताकि उसमें जो क्वेश्चन उठ के खड़ा भी हो आपके सामने तो आप इस थ्योरी में से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि OSI मॉडल एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल दो लैपटॉप हैं या कंप्यूटर हैं जो आपके सामने पड़े हैं, यहाँ से कोई मैसेज है, जो मैसेज है फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज M1 है, इस M1 मैसेज को यहाँ पर पहुँचाना है, बस इतना ही मेरा काम है।
तो इस काम के लिए मैंने क्या किया, OSI रेफरेंस मॉडल का यूज किया। OSI रेफरेंस मॉडल भी क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कंप्यूटर अलग कंपनी का है, ये कंप्यूटर अलग कंपनी का है, तो इन पहले तो समस्या ये होती थी इन दोनों के बीच में नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती थी, इसलिए बाद में OSI मॉडल को यूज किया गया। अब देखते हैं ये कैसे मैसेज ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात कि देखो यहाँ पर एरो दिख रहे हैं, ये एरो दिख रहा है आपको, नीचे आ रहा है, नीचे से फिर डेटा ट्रांसफर हो रहा है और वापस ये ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार से ये मॉडल काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से वापस ऊपर, लेकिन जो लेयर में डेटा ट्रांसफर होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो ऐसे, मतलब ये आमने सामने लेयर एक दूसरे से क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है, फिर कॉन्टैक्ट करने के बाद में डेटा को नीचे फॉलोअप करती है और लास्ट में डेटा फिजिकल लेयर से ट्रांसफर होता है। लेकिन ये इसको मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए थोड़ा सा रूट चेंज कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मैसेज पहुँचता है। तो सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर आपको पता है क्या होती है, आप मेरे को बताया था मैंने, जैसे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, जैसे आज अपने कोई ईमेल यूज कर रहे हैं या कोई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के कोई कहीं पर फाइल हम अपने अपलोड कर रहे हैं, वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ये सब हमारी क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप लेवल होता है एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पे आपका यूजर बैठा है जो किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हो गए, HTTP हो गए, FTP हो गए, ये सारे प्रोटोकॉल्स कहाँ यूज होंगे, एप्लीकेशन लेयर पर। उस एप्लीकेशन लेयर पर सबसे पहले ये M1 फॉर एग्जाम्पल मैसेज यहाँ पर पड़ा है। अब ये एप्लीकेशन लेयर से कहाँ आएगा, नीचे सेकेंड पे प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर पे दोस्तों मैसेज के अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे, जैसे कि उसमें इंक्रिप्शन हो जाएगा, इंक्रिप्शन मतलब आपकी उसकी सिक्योरिटी लग जाएगी उसके अंदर, कुछ डेटा कंप्रेस करना तो कंप्रेस हो जाएगा, तो कुल मिला के डेटा इनर लेवल पे उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसमें होगा, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। फिर आपके सामने थर्ड हो जाएगा सेशन लेयर, जब वो डेटा नीचे आएगा तो यहाँ पर सेशन लेयर क्या करेगा, सामने वाला जो कंप्यूटर है वहाँ से सेशन एस्टेब्लिश करेगा। बस सेशन समझते हो आप, सेशन नहीं समझते तो आपको मैं बताऊं कि जैसे आपके पास में ऑनलाइन मोबाइल के अंदर आप कभी अपने SBI की आप एप्लीकेशन यूज करते हो, तो वहाँ पे कई देर अगर एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो तो लिखा होता है योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, मतलब एक लिमिट समय तक ही वो आपका ऑनलाइन रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाता है। तो वैसे ही जब इसको डेटा ट्रांसफर करना है सेशन लेयर के अंदर, तो पहले यहाँ पर क्या करती है, सेशन लेयर इस दोनों कंप्यूटर के बीच में एक सेशन क्रिएट करती है, उसको मेंटेन करती है और लास्ट में उसको टर्मिनेट करती है। ये काम किसका होगा, सेशन लेयर का। फिर वो M1 जो अपना वहाँ पर अभी तक फिर ट्रांसफर होकर नीचे आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उसको सेगमेंट में तोड़ देगी, टुकड़ों में उसके अलग अलग टुकड़े कर देगी और उसको कहाँ भेज देगी, पैकेट्स के रूप में। पैकेट्स कहाँ भेज देगी, वो नीचे भेज देगी नेटवर्क लेयर पर। आपको पता है कि इंटरनेट के अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होता है IP प्रोटोकॉल के अंदर, वो कहाँ पे होता है, पैकेट्स के अंदर होता है। तो इसके पास जब नेटवर्क के पास क्या आएंगे, पैकेट्स। अब ये पैकेट्स क्या होते हैं, नेटवर्क के पास आते हैं तो ये पैकेट्स के ऊपर क्या लगा होता है, सीरियल नंबर लगे होते हैं, सीरियल नंबर इसलिए ताकि जब पैकेट्स वापस सामने वाले कंप्यूटर पर पहुँचे तो वो सारे पैकेट्स को रीअरेंज किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सेगमेंट का पैकेट्स टूटते हैं उन सब में क्या होता है, सीरियल नंबर लगा हुआ होता है। जब सारे जो नेटवर्क लेयर के पास पहुंचते हैं पैकेट्स, तो नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कि पैकेट्स यहाँ पे आखिर में दूसरी सामने वाले कंप्यूटर पे कैसे पहुँचाए। उसके लिए वो क्या करती है, राउटिंग का काम करती है। राउटिंग का मतलब कोई डेटा दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुँचता है, किसके जरिए पहुँचेगा, उन किस किस नोड्स के थ्रू पहुँचेगा, वो काम क्या करेगा, राउटिंग। तो वो काम कहाँ पर होता है, नेटवर्क लेयर पर होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल M1 था अपना, तो M1 ट्रांसपोर्ट लेयर पर जैसे ही M1 आया तो यहाँ पर इसके टुकड़े हो गए, किसमें हो गए, पैकेट्स में। जैसे ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। अब यहाँ पर इतने इसके पैकेट्स बन चुके हैं। अब नेटवर्क लेयर पे भी क्या होगा, पैकेट्स के और टुकड़े होते हैं और ये क्या बन जाता है, फ्रेम्स में, फ्रेम्स में टुकड़े हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, पैकेट्स के। तो P1 के क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल फ्रेम्स में टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो ये फ्रेम क्या करता है बेसिकली, जैसे आपको बताऊं कि डेटा लिंक लेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एरर करेक्शन का, कि आपका जो डेटा है वो सामने प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सारा काम कौन चेक करेगा, डेटा लिंक लेयर चेक करेगा। तो जब वो पैकेट फ्रेम्स में टूटते हैं तो फ्रेम्स के बाद में सबसे लास्ट में नीचे कहाँ पर आते हैं, फिजिकल लेयर में। तो देखो वो M1 का जो डेटा था, पूरा मैसेज था, वो पूरा कहाँ पर टूट चुका है, लास्ट में आकर बिट के अंदर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 8 MB का अगर वो डेटा है या 8 KB का वो डेटा है, तो लास्ट में वो बिट के साइज में 010101 फॉर्मेट में कहाँ पहुंच जाएगा, फिजिकल लेयर में पहुंच जाएगा। अब फिजिकल लेयर क्या करेगा, एंड टू एंड कनेक्टिविटी रखेगा, यहाँ पर जितने भी केबल्स वगैरह यूज होती है यहीं पर होती है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर कहाँ होगा, बेसिकली केबल्स में होगा। लास्ट में डेटा ट्रांसफर यहाँ से केबल्स के अंदर वापस यहाँ पर फिजिकल लेयर पे आता है।
फिजिकल लेयर में आने के बाद में अब यहां से डेटा क्या होगा, आपके वापस ऊपर चलेगा, तो डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, पहले किसमें चेंज होगा, बिट, बिट चेंज होगा पहले फ्रेम्स के अंदर, फिर फ्रेम्स किसमें चेंज होंगे, पैकेट्स के अंदर। अब आपको पता है कि पैकेट्स के ऊपर नंबरिंग लगी हुई होती है, तो नंबरिंग को देखते हुए सारे पैकेट्स ट्रांसपोर्ट लेयर में आकर वापस से पूरा क्या बन जाएगा, एक मैसेज बन जाएगा, और मैसेज वो आपका यहां पर पहुंच जाएगा M1। तो देखो कहां से स्टार्ट हुआ, वापस नीचे से स्टार्ट हुआ, बिट, बिट से किसमें वापस किसमें चेंज हुआ, फ्रेम, वापस किसमें चेंज हुआ, पैकेट्स, और फिर वापस किसमें चेंज हुआ, आपके मैसेज के अंदर। फिर ऊपर चलेगा, ऊपर चलकर सेशन लेयर क्या करेगी, पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारा पूरा कंप्लीट काम हो चुका है, मैसेज ट्रांसफर हो चुका है, तो ये सेशन को क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। यहां से ऊपर जाने के बाद में प्रेजेंटेशन लेयर में आपके जब सेंडर ने इसके अंदर कोई इनक्रिप्शन लगाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन हो जाएगा, उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिया जाएगा। और सबसे लास्ट में एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो इसका एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये एकदम इजी तरीका है समझने का कि आप किस प्रकार से मैसेज ये काम करता है, वैसे मॉडल। लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसको समझने का तरीका तो मैंने बहुत अच्छा बताया आपको, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो भी लेयर्स है वो काम कैसे करती है, बाई डायरेक्शनल काम करती है ऐसे। मतलब एप्लीकेशन लेयर सिर्फ किससे इंटरेक्ट करती है, एप्लीकेशन से, प्रेजेंटेशन लेयर इंटरेक्ट करती है प्रेजेंटेशन लेयर से, सेशन लेयर से इंटरेक्ट करती है। अब ये काम कैसे करती है मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेशन लेयर अब ये डेटा जब नीचे भेजेगी तो सेशन लेयर सामने सेशन लेयर से इंटरेक्ट करेगी कि हाँ भी अब दोनों नोड्स के बीच में क्या हो, एक सेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे ही सेशन क्रिएट हो जाता है डेटा को वो नीचे क्या कर देती है, डाउनलोड कर देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या करेगी, दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स को चेक करेगी, कंफर्मेशन करेगी कि हाँ भी सेगमेंट्स प्रॉपर हो चुके हैं, पैकेट्स में टूट चुके हैं, पैकेट्स पे सीरियल नंबर लग चुका है, तब उसको किसको ट्रांसफर कर देगी, नीचे नेटवर्क लेयर के अंदर ट्रांसफर कर देगी। इस प्रकार से साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करेंगे, लेकिन कौन करेगी, पीयर टू पीयर। ये जो जो लेयर, एक एक लेयर को क्या बोलते हैं, पीयर। किसी भी एक लेयर को आप जब वो दूसरी लेयर से कॉन्टेक्ट करेगी तो इनको क्या बोलेंगे, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से डेटा पूरा काम होता है। लेकिन इसको और इजीली समझने के लिए मैंने इसके जितने भी फंक्शंस है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो सबसे पहले देखो फिजिकल लेयर यानी नीचे वाली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको रिवर्स स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको रिवर्स समझाया तो रिवर्स ही स्टार्ट करवाता हूँ। तो रिवर्स में मैंने सबसे स्टार्ट करवा रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर से। तो देखो जैसे मैंने बताया था M1 हमारा वो था जो मैसेज था वो, देखो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशंस यूज करते हैं, एंड यूजर जो हम लोग हैं, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल यूज कर दिया, रिमोट लॉगिन कर लिया, या वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट यूज कर लिया, किसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर लिया, ये सारे एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आएंगे। क्वेश्चन बनता है कि HTTP कहाँ यूज होता है, तो कहाँ यूज होगा, एप्लीकेशन लेयर में। फिर क्वेश्चन आता है FTP कहाँ यूज होता है, FTP कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर में। SMTP, POP3 ये क्या होते हैं, मेल सर्विसेज होते हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं मेल के, वो कहाँ पे यूज होंगे, एप्लीकेशन लेयर में। रिमोट लॉगिन, टेलनेट वगैरह ये क्या होते हैं, रिमोट लॉगिन होते हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। WWW ये कहाँ पर यूज होगा, एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये सारी बेसिकली जो मेन एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं वो सारी कहाँ पर आएगी, एप्लीकेशन लेयर पे। उसके बाद ही मैंने बताया कि जब मैसेज नीचे आता है सेकंड के अंदर तो कहाँ पे आता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। वहाँ पर डेटा क्या होता है, आपका इनक्रिप्शन वगैरह होता है वो वहीं पर होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, इनक्रिप्शन होता है, डेटा का कंप्रेशन होता है। और सेकंड साइड में रिसीवर साइड में क्या हो जाएगा, इनका ट्रांसलेशन वापस कंप्लीट हो जाएगा, इनक्रिप्शन का क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन हो जाएगा, कंप्रेशन का डीकंप्रेशन हो जाएगा। तो रिवर्स काम होगा, मतलब जो भी लेयर इधर काम करती है, फॉर एग्जांपल सेंडर के कोई लेयर है और इधर रिसीवर की लेयर है, तो जो सेंडर की लेयर काम कर रही है उसका जस्ट रिवर्स काम कौन करेगा, रिसीवर, एकदम उल्टा काम करेगा। इस प्रकार से सारी लेयर काम करेगी। फिर तीसरा कौन सा, सेशन लेयर बताया मैंने, वो क्या करेगी, सेशन एस्टेब्लिश करेगी दोनों नोड्स के बीच में कि सेशन कब स्टार्ट होना है, कब तक रहेगा और कब उसको टर्मिनेट करना है, ये सारा काम कौन करेगी, सेशन लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे बताया मैंने आपको कि TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स इसके अंदर यूज होता है, क्योंकि TCP और UDP प्रोटोकॉल्स आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको जब इंटरनेट प्रोटोकॉल करेंगे तो बताऊंगा कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। उसके बाद में होस्ट टू होस्ट मैसेज डिलीवरी का जो मेन काम होता है वो यहीं पर होता है। होस्ट टू होस्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुँचने का जो कन्फर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही होता है। दूसरा सेगमेंटेशन जो बताया मैंने आपको, ओरिजिनल जो मैसेज होता है जैसे M1 था हमारा, तो उसका टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। किसमें तोड़ेगा, मैसेज इनटू पैकेट्स में तोड़ेगा और उन पर क्या कर देगा, नंबर्स लगा देगा ताकि वो रीअरेंज हो सके।
उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर से वो पैकेट्स टूट के कस्टमर आ जाएंगे, नेटवर्क लेयर में आ जाएंगे। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उन जो पैकेट्स है उनके लिए एक पाथ डिसाइड करेगी किस पाथ से ये सामने वाले पीसी पर या सामने वाली नोड पर पहुंचेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करती है, राउटिंग। राउटिंग का काम ही होता है कि किस प्रकार से किस पास से डेटा दूसरी जगह पे पहुंचेगा। फिर कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल का मतलब आप डेटा बहुत एक जगह इकट्ठा ना हो, बहुत जगह डेटा आपका अगर इस प्रकार से ना हो कि ट्रैफिक बढ़ जाए, उसको क्लियर करने के लिए कौन काम करेगा, नेटवर्क लेयर। तो बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा काम कौन करेगा, यहाँ पर नेटवर्क लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस कहाँ पर यूज होता है, तो आईपी एड्रेस यूज होता है अपना नेटवर्क लेयर पर। क्योंकि देखो जब भी आप किसी पैकेट्स को दूसरे नोड पर पहुंचाते हैं तो उस नोड का क्या होता है, एक होता है आईपी एड्रेस। तो जब तक उसके पास में आईपी एड्रेस नहीं होगा वो उसको उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाएगा, तो नेटवर्क लेयर कौन सा यूज करेगा, आईपी एड्रेस। इसके अलावा यहां पर एक होता है एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी कौन यूज करता है, नेटवर्क लेयर। जो कि देखो आपको ये जो आईपी एड्रेस है वो तो क्या होता है, लॉजिकल होता है, मतलब बता दिया हाँ चलो ठीक है 192 पॉइंट समथिंग ऐसी कोई संख्या है वो इस कंप्यूटर की है, लेकिन फिजिकली कहाँ पे पड़ा है उसको फिजिकली कौन बताएगा, वो बताता है एआरपी कि फिजिकली एक्चुअल में कंप्यूटर ये इस लोकेशन पर पड़ा है। तो दोनों प्रोटोकॉल्स बेसिकली कहाँ पर यूज होंगे, आपके नेटवर्क लेयर में। और क्वेश्चन बनता है पैकेट कहाँ पर यूज होते हैं, तो पैकेट कहाँ पर यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर में। अब वो पैकेट दोस्तों फ्रेम्स में टूटेंगे, फ्रेम्स में टूटने के बाद में कहाँ पर आएंगे, डेटा लिंक लेयर के अंदर। डेटा लिंक लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है फ्लो कंट्रोल का और एरर कंट्रोल का। ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि एरर कंट्रोल का काम कौन सी लेयर में होता है, तो एरर कंट्रोल का काम होता है आपका डेटा लिंक लेयर के अंदर। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल मतलब फॉर एग्जांपल ये एक नोड है जहाँ से हमने सेंटर है, इसके पास में डेटा जो रवाना होया है यहाँ से वो हो रहा है 2 MB का, और इधर एक हमारा रिसीवर है, इसके पास में डेटा एक बार में लेने की जो कैपेसिटी है वो है 1 MB। तो अब ये क्या हुआ, फ्लो कंट्रोल करना हो गया कि मतलब डेटा इतना ना जाए यहाँ से कि सामने वाले रिसीवर के उसमें डेटा लेने की जो कैपेसिटी है वो उतनी हो ही नहीं, इसलिए दोनों के बीच में फ्लो क्रिएट करता है कि यहाँ से भी 1 MB निकले ताकि यहाँ पर भी रिसीवर के पास में 1 MB पहुँच सके। तो ये फ्लो कंट्रोल का काम और एरर कंट्रोल का काम, सिंक्रोनाइजेशन का काम कि डेटा किस प्रकार से जैसे सिंक्रोनाइजेशन मोड में पहुंचेगा कि ए सिंक्रोनाइजेशन मोड में पहुंचेगा, ये वाला सारा काम कौन करेगा, यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के अंदर करेगा। उसके बाद में जो इसका दूसरा काम भी है सबसे लास्ट में वो है फिजिकल लेयर पे, जिसमें एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर किस में होता है, बिट्स के अंदर। मतलब जो आपने 01 फॉर्मेट होता है वो कहाँ पर होता है, फिजिकल लेयर में ही होता है। वहाँ पर देखो डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 या 1 के अंदर। मीडियम, व्हाट इज़ द मीडियम यूज, मतलब किस मीडियम से, मतलब वो जो उनके बीच में जो वायर्स लगे हो रहे हैं क्या यूज हो रहा है वो कहाँ से कौन डिसाइड करता है लास्ट में, फिजिकल लेयर। बिट सिंक्रोनाइजेशन बताया था जैसे मैंने आपको, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस कौन सा है, ये है काम, ये कौन डिसाइड करता है, फिजिकल लेयर कहाँ पर होता है, ये सारा फिजिकल लेयर के अंदर। ट्रांसमिशन टाइप मतलब सीरियल डेटा ट्रांसफर हो रहा है या फिर पैरेलल। सीरियल में आपको बताया था 1/1 बिट ट्रांसफर होती है, पैरेलल के अंदर एक बाइट के अंदर डेटा क्या होता है, दूसरी नोड के अंदर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मोड कौन सा है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये आपको बताया था मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कैसे कहाँ पर यूज होता है, ये सारा कहाँ पर यूज होता है, फिजिकल लेयर के अंदर। टोपोलॉजी कौन सी यूज होता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, इंटरफेस क्या है, बैंडविड्थ क्या है, सिग्नल टाइप एनालॉग है, डिजिटल है, ये सारे काम किसके हैं, फिजिकल लेयर के हैं। अब क्वेश्चन कैसे उठते हैं, देखो कि बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम कहाँ पर होता है, कि बिट इनको जो डेटा है वो सिंक्रोनस ट्रांसफर हो रहा है कि एसिंक्रोनस हो रहा है, ये काम कौन करता है, फिजिकल लेयर। फिर क्वेश्चन बनता है कि टोपोलॉजी कहाँ पर डिसाइड होती है, तो टोपोलॉजी कहाँ डिसाइड होती है, फिजिकल लेयर में। मल्टीप्लेक्सिंग का काम कहां पे होता है डिसाइड करने का, मल्टी फिजिकल लेयर पर। सिग्नल टाइप कैसे कहां डिसाइड होता है कि एनालॉग है कि डिजिटल हो रहा है, कहां होता है, फिजिकल है। तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बहुत से काम होते हैं, तो आपके सामने मैंने लिस्ट में बना रखी है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर का। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कहां पर यूज होता है, तो ये कहां पर यूज होता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर। एक होता है कि एरर कंट्रोल के अंदर आपने डेटा लिंक लेयर कौन सी टेक्निक का यूज करती है, तो उसमें होती है CRC, साइकिल रिडंडेंसी चेक, ये प्रकार का कोड होता है जिसके द्वारा हम इन एरर की जांच कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं, आप इनको प्रॉपर पढ़ लेना ताकि आपको पता रह सके कि किस लेयर के अंदर कौन सा काम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये स्टार्टिंग में जैसे यहाँ से कंप्यूटर ए से कोई डेटा निकल रहा है तो कंप्यूटर बी तक इन 7 लेयर का यूज करते हुए वो सामने कंप्यूटर बी तक पहुँच जाएगा। दो बातें याद रखना, पहली बात तो ये काम कैसे करता है, इस प्रकार से सेंडर से ऐसे आएगा, फिर डेटा यहाँ ट्रांसफर होगा और वापस ये ऐसे नीचे से ऊपर काम करेगा। लेकिन जो एप्लीकेशंस के जो ये लेयर है वो कैसे काम करेगी, एक दूसरे से ऐसे फेस टू फेस काम करेगी।
इस प्रकार से आमने सामने काम करेगी, एक सामने काम करते करते डेटा को नीचे पहुंचाती रहेगी, और लास्ट में डेटा फिजिकल लेयर के अंदर आपस में बिट्स के रूप में यानी 01 फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है OSI मॉडल के बारे में, मैं आपको ये PPT शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में क्वेश्चन इसमें नहीं बनते। बेसिकली पूछता है कि कौन सा जो प्रोटोकॉल्स है, टोपोलॉजी वगैरह, कहाँ कौन सी लेयर पे क्या क्या काम है, तो आप इसको प्रॉपर वापस से पढ़ लेना। फिर भी आपको वैसे लेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो मेरी मेल आईडी आपके पास में है technoguruamit@gmail.com, आप उसको यूज करके जो भी क्वेश्चन आप मेरे को मेल कर देना, मैं उसको आपको आंसर दे दूंगा, या फिर आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो का, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल देना, मैं उसका जितना जल्दी हो सकता है पॉसिबल आपको मैं इसका आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर नेटवर्किंग के हम बारे में करेंगे, नेटवर्क में जो डिवाइसेज यूज होती है, हब, स्विच, रिपीटर्स वगैरह, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।